हर कोई सपने देखता है, कोई दिन में सपने देखता है तो कोई रात में सपने देखता है। आज हम आपको सपनों से जुड़ी ऐसी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आपकी नींद उड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं सपनों के बारे में कुछ रोचक बातें। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी के 6 साल सपने देखते हुए बिताता है? क्या आप जानते हैं जिसका IQ जितना ज़्यादा होगा उसे उतने ही ज़्यादा सपने आएंगे? अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो इसका मतलब आप खुद ही समझ लीजिए। क्या आपको पता है कि जन्म से अंधे लोगों को भी सपने आते हैं? वो अपने सपने में सुगंध और दुर्गंध महसूस करते हैं या फिर उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप सपने देखते हैं तो आपका शरीर पक्षाघात की स्थिति में पहुंच जाता है और कुछ भी करने के लिए असमर्थ होता है। कई बार तो आप हिल-डुल भी नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सचमुच में हो रहा है, पर असल में आप तो सिर्फ सपना देख रहे होते हो। क्या आपको पता है कि छोटे बच्चे को पहले के 3 से 4 साल की उम्र तक सपने नहीं आते हैं? कई लोग सोचते हैं कि सोते समय दिमाग थक जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग सोते समय जगे हुए की तुलना में और ज्यादा तेजी से काम करता है। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग कोई भी नया चेहरा नहीं बना सकता है, इसलिए हम सपनों में उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमने असल जिंदगी में देखे हैं। क्या आपको पता है कि जो लोग सपने नहीं देखते हैं उन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी होती है? क्या आपको पता है जब तक रंगीन टीवी नहीं आई थी तब तक अधिकतर लोगों को सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कलरफुल टीवी आने के बाद हमारे इमेजिनेशन भी कलरफुल हो गए, जिसकी वजह से हम कलरफुल सपने भी देखने लगे। क्या आपको पता है जब हम कोई सपना देखते हैं और उस समय हमें ये नहीं पता होता है कि जो हम देख रहे हैं वो एक सपना है या फिर सच, तो उस चीज को लूसिड ड्रीम बोलते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लूसिड ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी से सपने में उड़ना या टाइम ट्रैवल करना। इस चीज का कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम एक ही समय में या तो खराटे मार सकते हैं या फिर सपने देख सकते हैं। दोनों काम एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आदमी और औरतों के सपने अलग अलग होते हैं? लगभग 70% आदमियों के सपने अन्य आदमियों के बारे में ही होते हैं, जबकि औरतों के सपने आदमी और औरतों दोनों के ही बारे में होते हैं। क्या आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आविष्कार सपने की वजह से हुआ है? एलियास होवे ने सिलाई मशीन की खोज सपने में देखकर ही की थी। उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासियों की कैद में देखा था जो उन्हें जलाने वाले थे। आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरह से सिल रहे थे। इससे एलियास को सिलाई मशीन की तकनीक समझ में आई। अगर आप किसी सपने से जाग गए हैं, वापस उस सपने को देखना चाहते हैं, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सो जाइए बिल्कुल सीधे होकर। बहुत ज्यादा चांस है कि आपका सपना वहीं से शुरू हो जाएगा, लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये तरीका हर बार काम नहीं आता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए अपने सपनों से रिलेटेड। अगर आप भी ऐसे ही कोई फैक्ट्स को जानते हैं और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।